हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश सिंघल, रिसर्च एनालिस्ट, और आपका स्वागत है हमारे चैनल टैक्स फॉर वेल्थ में। आज हम बात करते हैं अगले वीक बाजार में क्या करें। तो सबसे पहले बात करते हैं लास्ट वीक की। लास्ट वीक यानी कि जो वीक 6 अप्रैल से शुरू हुआ था, उस वीक में क्या हुआ। तो अभी तक जनवरी से लेकर अभी तक FIA की सेलिंग चल रही थी, जो कि अभी अप्रैल के महीने में FIA ने कैश सेगमेंट में नेट बाइंग शुरू की है, जो कि 1345 करोड़ की है अभी तक। तो देखना होगा कि ये FIA की बाइंग आगे कंटिन्यू रहती है या नहीं रहती है। अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में इस हफ्ते मजबूती देखी गई और निफ्टी ओपन हुआ 8357 पर और निफ्टी ने फ्राइडे को क्लोजिंग दी 9111 पर। तो मैं लगता है कि अभी निफ्टी में 9130 पर एक मेजर रेजिस्टेंस है, जो अगर टूटता है तो निफ्टी को 9250 से लेकर 9400 और उसके बाद 9500 तक के लेवल इस वीक में हम निफ्टी में देख सकते हैं ऊपर की साइड। अदरवाइज नीचे की तरफ हम 9000 से लेकर 7900 और उसके बाद 8700 तक के लेवल देख सकते हैं। कोरोना वायरस का कंसर्न अभी कंटिन्यू है और अभी तक अप्रोक्स 18 लाख से आसपास केस कंफर्म केस हो चुके हैं और 1 लाख से ज्यादा डेथ हो चुकी है। और दिक्कत वाली बात यह है कि अब ये US में काफी बुरी तरीके से फैल रहा है, बाकी इटली, स्पेन, फ्रांस और UK में भी अब केसेस काफी बढ़ रहे हैं। तो ये देखना होगा कि किस तरीके से कोरोना वायरस के ऊपर कंट्रोल आता है आने वाले टाइम में। मंडे 6 अप्रैल को महावीर जयंती की वजह से मार्केट क्लोज था, उसके बाद 7 अप्रैल को सिंगापुर में लॉकडाउन हुआ और निक्केई PMI एक्टिविटी की इंडेक्स ने अपने आंकड़े पेश किए, जो कि 49.3 थे, जो कि लास्ट मंथ 57.5 थे। तो काफी बड़ा एक डिक्लाइन इस सर्विस एक्टिविटी में देखा गया। इसके अलावा एक US जॉब क्लेम के आंकड़े भी पेश किए गए थे, जो कि 9 अप्रैल को पेश किए गए थे। अगर हम उसमें बात करें तो अभी तक US में जॉब क्लेम का आंकड़ा अभूतपूर्व तरीके से बढ़ा है और अभी तक 17 मिलियन लोगों ने क्लेम्स फाइल किए हैं, जो कि पहले हफ्ते में 3.3 मिलियन थे, उससे अगले हफ्ते में 6.9 मिलियन थे और लास्ट वीक जो कि 4 अप्रैल तक का वीक था, उसमें 6.6 मिलियन लोगों ने जॉबलेस क्लेम के आंकड़े फाइल किए हैं। 10 अप्रैल को मार्केट गुड फ्राइडे की वजह से क्लोज था। अब बात करते हैं अगले हफ्ते की। अगले हफ्ते सबसे पहले तो देखना ही होगा कि इंडिया में लॉकडाउन जो कि 14 अप्रैल को खत्म हो रहा है, वो आगे बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। अभी तक की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि लॉकडाउन ये 30 अप्रैल तक बढ़ सकता है। इसके बाद अभी तक गवर्नमेंट का कोई इंडस्ट्री को लेकर कोई इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज अभी तक नहीं आया है, तो हमें उम्मीद है हो सकता है इस वीक में वो इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज आए। इसके अलावा 13 अप्रैल को इंडिया का मार्केट तो ओपन है, बट मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड के मार्केट ईस्टर की वजह से बंद रहेंगे और इंडिया के CPI के नंबर भी 13 अप्रैल को आने वाले हैं। 14 अप्रैल को इंडिया के मार्केट क्लोज है बाबा साहब अंबेडकर जयंती की वजह से, लेकिन बाकी मार्केट खुले रहेंगे। और 14 अप्रैल को इंडिया के WPI की आंकड़े भी आएंगे। 15 अप्रैल को बैंक ऑफ कनाडा की मॉनेटरी पॉलिसी की रिपोर्ट आएगी। 16 अप्रैल को US जॉबलेस क्लेम के आंकड़े आएंगे और 17 अप्रैल को RBI की MPC की मीटिंग है, जिसके मिनट्स रिलीज होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल टैक्स फॉर वेल्थ को देखते रहें और मार्केट्स पर अपडेट लेते रहें और घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।